आज है अष्टमी, बैसी का 8वां दिन। तो आज क्या होता है, जिनमें गुलजू का अवतार आता है वो जो है पूरा एरिया में घूम घूम के हर घर पे जाके भिक्षा लेते हैं। हमारे यहाँ उसको बोलते हैं नगर भिक्षा। मेरे आज नगर भिक्षा में ना जाने का कारण ये है कि दीदी लोग आ रहे हैं, साथ ही कुक्कू भाई लोग भी आ रहे हैं पहली बार। अंकित भाई पहुंच गए इधर। मैंने पूछे आलू परिवार मुझे दिन दस्त लगा दिया, पेट खराब करवा दिया। ओए जा तो वेरी गुड, ब्लॉकबस्टर एंट्री होगी तेरी। लगी तो है यार, कपड़े झाड़ दे, ऐसा लगा गिर के। Hey guys, good morning, welcome to another vlog. तो guys, जैसे कि आपको पता है हमारे गांव में बैसी लगी हुई है। 10 दिन तक कंटिन्यू पूजा पाठ होगी मंदिर में, और दद्दा लोग, ताऊ जी, चाचा जो भी हैं, बूबू लोग, सब लोग मंदिर में रहेंगे। इस बीच मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, पहले एक दिन की वीडियो बनाई थी, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू ही किया क्योंकि मंदिर में काम वाम भी हो रहे थे। उस बीच वीडियो वगैरह शूट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो आज मैं शूट कर रहा हूँ। आज है अष्टमी यानी कि बैसी का 8वां दिन। तो आज क्या होता है, जिनमें गुलजू का अवतार आता है यानी कि आशीष के पापा, तो वो जो है अष्टमी के दिन पूरे एरिया में जितना भी हमारा एरिया दिखता है कांडा से, पूरा एरिया में घूम घूम के हर घर पे जाके भिक्षा लेते हैं। हमारे यहाँ उसको बोलते हैं नगर भिक्षा। नगर भिक्षा के लिए निकलेंगे 6:30 बजे, 6:35 पे निकलेंगे। तो घर घर जाके वो जिसके घर में गाय भैंस है उनके घर से मक्खन, दूध, घी और चावल, भेंट सब कुछ जाता है, और आंगन में लिपाई करके स्पेशली उनके लिए एक आसन टाइप का बनाया जाता है, वहीं पे खड़े होके उनकी पूजा की जाती है। जैसे कि यहाँ देखो, ये यहाँ पे आंगन में लिपाई कर रखी है, इतने पोर्शन में उनके लिए बना रखा है आसन। और फिलहाल अभी सनराइज़ नहीं हो रखा है, और आज सनराइज़ से पहले ही उठ के हम लोग 5 बजे उठ के तैयारी में लगे हुए हैं। नहा धोना सब कुछ हो चुका है और फूल माला भी बन गई है, मैंने बनाई फूल की माला। और अभी फिलहाल मम्मी दिया बत्ती कर रही है। तो लली दौर में पहुँच गया मंदिर में फटाफट से, एक चक्कर मैं भी आता हूँ। ये देखो क्या रौनक है, जो टीका लगाते सबसे पहले। अच्छा तुले मिल गया है, चलो चलो फिर, चलो चलो फिर भाई। ओके अब ये गए सीधे यहाँ से अलकन्या, अलकन्या से होते नारायण, नारायण से फिर जोगावाड़ी, भनकोट, धराड़ी और पंचोड़ा, ये पूरा एरिया इधर तक। मनीष के स्कूल है और मेरा घर पे काम है, इसलिए मैं नहीं जा रहा आज मंदिर में। अभी भी ढोल बजने में, जहाँ जहाँ उनको आवाज़ सुनाई देगी, जहाँ जहाँ दिखाई देंगे वहाँ वहाँ कंटिन्यू ढोल बजाते रहेंगे। अभी तो मतलब फिलहाल नारायण पहुँचने तक कंटिन्यू ढोल बजते रहेगा, उसके बाद फिर जब जब दिखाई देंगे पार से फिर ढोल बजाना शुरू करेंगे। तो मेरे आज नगर भिक्षा में ना जाने का कारण ये है कि दीदी लोग आ रहे हैं और साथ ही कुक्कू भाई लोग भी आ रहे हैं पहली बार। वो 10-11 बजे के समथिंग आएंगे क्योंकि मंदिर में पूजा पाठ करेंगे कपल दोनों, और उसके बाद फिर तब आएंगे घर पे। भाई सनराइज़ से पहले उठने का मजा ही कुछ और, सनराइज़ भी नहीं हो रखा अभी। और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करता हूँ, ऑल टाइम फेवरेट आलू के पराठे की तैयारी। यो लाइट लगी, पूरा धुएं से भर रखा है।
धूप से, और इस लड़की ने खिड़कियां भी नहीं खोली है। खिड़की तो खोली नहीं, वह पास सुन। तो फिलहाल पराठे बन चुके हैं, मैंने प्रिपरेशन नहीं दिखाई क्योंकि प्रिपरेशन पहले काफ़ी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो पराठे बन गए, एकदम रेडी हो गए हैं। अब है पराठे खाने वालों का वेट, यानी कि कुक्कू भाई लोगों का और फिर सोमी लोगों का। तो जब वो आएंगे फिर उनको ये गर्मा गर्म पराठे खिलाएंगे। फॉइल पेपर में रैप कर रखते हैं तो इनको पैक करके रख देते हैं। और एक और बात, पराठे बनाने में हेल्प की मेरी चेतना ने। मैंने कुछ दिनों से व्लॉग नहीं बनाए थे, तो चेतना जिस दिन आई थी उस दिन मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था। अभी चेतना ने मेरी हेल्प की और अभी चेतना तैयार होने गई है क्योंकि उसने भी पाठ करना है मंदिर में। तो कुक्कू भाई लोगों के साथ में वो भी पाठ करने बैठेगी और उसके बाद ही सब लोग नाश्ता करेंगे। और मैं तो नाश्ता करके जाऊँगा यार, बाद में पता नहीं घर आ पाऊँ कि ना आ पाऊँ क्योंकि मंदिर में भी काम है। तो मैं बस बचा खुचा एक पराठा निपटाता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके सीधे मंदिर की ओर निकलता हूँ। A few moments later. तो भी नाश्ता वास्ता करके मंदिर की ओर निकल पड़ा मैं। बाल थोड़े बेकार हो रहे क्योंकि मैंने कैप पहनी थी, थकान भी लग गई। मॉर्निंग सर। ये सदा लोग यहाँ पे बनता है सामूहिक भंडारा, उसी की प्रिपरेशन हो रही है। अब चलते हैं मंदिर में। जय हो। अंकित भाई पहुंच गए इधर। गुड मॉर्निंग। तो कल वहाँ धर लेना है, थोड़ा भीड़ मेला कर दियो। चेतना लोगों की शादी के बाद मतलब अब तक सेकंड टाइम आ रहा कुक्कू भाई, और आज तो पिछली बार तो अकेले था, इस बार दोनों आ रहे हैं। क्या हुआ था भाई घर? अरे पूछे आलू परिवार मुझे दिन है दस्त लगा दिया पेट खराब करवा दिया। आप एक कहने ने आ तो उसके तहले पका रहा मिल खाली वो कर रहा हो मिल मसाल पर रहो खाली। ब्रेकफास्ट हो गया और इसके बाद दीदी लोगों का वेलकम करने के लिए हम खड़े हैं। मजाक के लिए आरती की थाली रख, आरती क्या टीके की थाली। दीदी लोग आ रहे हैं। वेरी गुड ठंड लेना रोई ब्लॉक बस्टर एंट्री होगी तेरी। जीते रहे जीते रहे। लकू ए बेशिद पड़कू थोड़ा कैमरा डायरेक्शन गलत रही नहीं ले जी ना पीठा लगा वेलकम कर पहला पहला लगी क्या सुमी लगी लगी तो है यार कपड़े झाड़ दे कपड़े झाड़ ला इधर ले जबरदस्त कैसा लगा गिर के पड़ गए ले आओ इधर भी इधर बहुत तो देर दाने हाँ टिक क्यों ये आगे नगर भिक्षा वाले अब इनसे इनका हाल चाल पूछते हैं। हाँ ठीक रहो होटल भीड़ तो नहीं रे ये कहाँ भैया फिर घूम सकू आ गए सब लोग गुड बगदा एक बार फिर से Yeah!
ठीक है।